नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है बागवानी प्लांट्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों को कुछ ना कुछ प्लांट्स के बारे में बताने की कोशिश करता हूं, और मेरी तरफ से पूरी कोशिश यही रहती है कि जो भी जानकारी हो स्पष्ट हो, साफ हो और आसान हो, ताकि उस जानकारी को लेकर के हर एक घर में, गार्डन में कोई एक छोटा बच्चा भी अपने घर को या गार्डन को सुंदर बना सके। आज जिस पौधे के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस पौधे का नाम है वंडर ज्यू। इस पौधे का नाम वंडर ज्यू क्यों रखा गया है, इसके पीछे भी एक खास बात है, क्योंकि यह जो पौधा अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस पौधे का जो रंग, इसकी पत्तियों का जो रंग आपको नज़र आ रहा है, ये इस समय पर्पल कलर में है। उसके अलावा अगर हम इस पत्ती को और नज़दीक से देखते हैं तो इसमें तीन चार कलर आपको नज़र आएंगे, जिसमें ग्रीनिश कलर है, उसके बीच में हल्का ब्राउन कलर भी है और पर्पल कलर के दाने, पिंक कलर भी बीच में नज़र आ रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं तो उस समय इसके पत्ते लगभग ग्रीनिश यानी हरे हो जाते हैं, और सर्दियों के मौसम में ये अपना रंग बदलना शुरू कर देते हैं और ये पर्पल, पिंक और ग्रीन मिक्स कलर इनमें नज़र आता है। अब आप देखिए, इस पत्ती का जो बैक यानी पीछे का कलर है वो पूरी तरह है पर्पल है, और इस पत्ती के आगे ये देखिए, ये कलर आपको हरा नज़र आएगा। तो इस कलर चेंज करने की प्रक्रिया की वजह से इस पौधे का नाम वंडर ज्यू पड़ा है। आप इसको अपने घर में हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, किसी भी गमले में लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पौधे को कटिंग के द्वारा कैसे हम उगा सकते हैं। जो पौधा आप देख रहे हो, ये पौधा जब मैंने शुरू में लगाया था तो इसकी सिर्फ एक या दो टहनियाँ थी, और आज आप देख सकते हैं ये पूरा पौधा भरा हुआ है। अब देखिए, इसकी मैं आपको कटिंग के द्वारा लगाने की विधि बताता हूँ। ये देखिए, इसकी हम कोई भी एक टहनी ले लेते हैं जिसमें रूट्स यानी जड़ें नज़र आ रही हैं। ये देखिए, इसमें रूट्स नज़र आ रही हैं। इसको हम यहाँ से उखाड़ लेते हैं। देखिए, इसमें आपको रूट्स नज़र आ रही हैं। अब इस एक टहनी को आप इस गमले में, मिट्टी मैंने पहले से तैयार कर रखी है, इसमें आप डाल दीजिए। बिल्कुल आसान तरीका है। कोशिश कीजिए कि ये बीच सेंटर में आप इसको
लगाएं ताकि चारों तरफ से इस गमले में ये फैल जाए। बस दोस्तों इतना ही काम है। पौधा आपका लग चुका है, बस इसमें हल्का सा पानी आप डाल दीजिए। और इसको लगाने का यह समय बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि सर्दियों में ये पौधा बड़ी जल्दी ग्रोथ करता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यह पौधा आपका तैयार है। उम्मीद करता हूँ आप अपने घरों में, गार्डन में इस पौधे को ज़रूर लगाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।